चौटाला परिवार चार हिस्सों में विभाजित होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको चौटाला परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया व हरियाणा के गठन में मुख्य भूमिका निभाई, यही नहीं उन्होंने 1987 में मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र की सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन आरंभ किया व विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। आज उनका परिवार चार हिस्सों में बंटा हुआ है। चौधरी देवीलाल के चार बेटे थे। सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला, उसे छोटे प्रताप सिंह, उसे छोटे रंजीत सिंह व सबसे छोटे बेटे जगदीश सिंह। चौधरी देवीलाल के चार बेटों में तीन बेटे राजनीति में थे। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के बाद हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने। वहीं प्रताप सिंह चौटाला 1 बार 1968 में विधायक बने। चौधरी रंजीत सिंह 1987 में रोड़ी से विधायक बने और हरियाणा के कृषि मंत्री भी बने। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा भेजा गया। सबसे छोटे बेटे जगदीश कभी राजनीति में नहीं आए। इसमें जहां इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे अजय सिंह चौटाला व छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला दो हिस्सों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रताप सिंह चौटाला के बेटे रवि चौटाला राजनीति में कम ही रहे, लेकिन आजकल बिल्कुल ही राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। चौधरी रंजीत सिंह पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में है। जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला इस समय सिरसा के जिला परिषद के पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी में है। वह भारतीय जनता पार्टी के डबवाले से अगले उम्मीदवार भी बन सकते हैं। इस प्रकार आपको हरियाणा का एक सबसे बड़ा परिवार चार हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। आज 5 नवंबर है तथा आज अजय सिंह चौटाला जेल से बाहर आएंगे। वह जननायक चौधरी देवीलाल सेवा दल के नाम पर नया दल भी बना सकते हैं अथवा राजनीति में कोई नया कदम उठाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।